बात करेंगे तमार की। तमार में जंगली हाथियों के उत्पात से दर्जनों गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। इधर खेत में लगे फसल को भी जंगली हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। मामला तमार थाना क्षेत्र के उलीलोहार पंचायत का है। ग्रामीण इतने भयभीत हैं कि दिन में मजदूरी के लिए बाहर निकलने के बाद शाम को घर वापस लौटने में उन्हें डर लगता है। ग्रामीणों ने बताया कि कब हाथियों का झुंड अचानक आ धमके, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिलता है। जंगल एरिया है, डेली वो लोग आता है। हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है, हमारा हाथ में टच उच कुछ व्यवस्था नहीं है, कैसे घर जाएंगे? अभी लेबर काम करते हैं डेली। कौन आता है? कौन आता? जंगली हाथी आता है और इधर से रात होता है। हम लोग का जाने में कुछ व्यवस्था नहीं है। आज हमारे हम लोग बैठे हैं अपने DFO के साथ भी, आज हम लोग बैठे हैं और खासकर हमारा इस पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हमारे किसान वर्ग का लोग आतंकित रहते हैं और आमजन भी आतंकित रहते हैं, क्योंकि वो पूरा मेरा एक बंगाल और सिंहभूम का बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ पर हाथियों का एक जमावड़ा है, आना जाना लगा रहा है। तो एक स्थायी इसका निराकरण क्या हो सकता है? और दूसरा, गाँव के लोगों में जो वन समिति बनी है उसका संचालन सही रूप से हो रहा है कि नहीं, और उनको जो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, ये बात की है। कल हम इसी